स्टार्ट है विद टुडेज टेक न्यूज। या चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। और दोस्तों आज मैं आपके लिए गर्मा गर्म टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक खबरें, ताजा टेक खबरें लेके आ गया हूँ। लेकिन दोस्तों आज की टेक न्यूज चालू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें तो भूले मत, और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। और हमें आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर का हैंडल मैं आपको यहाँ पर लिख के दे दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये हमारा ट्विटर का हैंडल, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो चालू करते हैं आज की टेक न्यूज। यह वर्षों पहला अपडेट निकल के आता है रेडमी तरफ से। अगर आपके पास रेडमी नोट 7 है सो उसको स्टार्ट हो गया है एंड्रॉइड 10 बेस्ड ऑन MIUI अपडेट रोलिंग आउट इन इंडिया या फॉर सम यूजर्स। सो अगर आपके पास है MIUI, अगर आपके पास है रेडमी नोट 7 सो जाइए अपडेट कीजिए, आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा और बेस्ड ऑन MIUI 11 अपडेट फॉर सम यूजर्स इन इंडिया। सो जाइए अपडेट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, एंड्रॉइड 10 मिलेगा बेस्ड ऑन MIUI 11 फॉर सम यूजर्स। और सो Realme 6i का लॉन्च इंडिया हो गया है टिप्ड टू बी July 14। तो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग पे Realme CI दोस्तों शायद डेब्यू हो सकते हैं इंडिया अलॉन्ग साइड C11 दोस्तों, क्योंकि C11 लॉन्च होने वाला है ट्यूसडे July 14। और अब दोस्तों Realme CI का फ्लिपकार्ट पे टिप्ड हो, ऐसा टिप्ड है कि ये लॉन्च हो जाए इंडिया में ऑन 14 जुलाई, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो गया है। यह बरसों अगला अपडेट निकल के आता है OnePlus की तरफ से। OnePlus Pods True वायरलेस ईयरबड्स हो गए हैं टीज, और टिप डे टू बी सोल्ड बाय Amazon इंडिया। दोस्तों जो OnePlus के अपने OnePlus Pods है ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स TWS, वो ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स TWS टीज हो गए, और से कहा जा रहा है कि ये सोल्ड होंगे बाय Amazon इंडिया। यह वर्षो अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से। एप्पल का एक नया न्यू मैकबुक एयर टू गो ऑन इन टू मास प्रोडक्शन इन Q4। और ये रीडिजाइन मैकबुक प्रो मॉडल्स प्लान हुए फॉर 2021। जस्ट तो एप्पल के न्यू मैकबुक एयर टू गो इनटू मास प्रोडक्शन इन Q4 2020, और रीडिजाइन मैकबुक प्रो मॉडल्स है प्लान फॉर 2021। यह वर्षों अगला अपडेट निकल के आता है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो एनको W31 और ओप्पो एनको M31 वायरलेस हेडफोन्स हो गए है टेम्पररीली प्राइस कट इन इंडिया। जस्ट तो जो ओप्पो एनको M31 है उसकी प्राइस दोस्तों अभी है इंडिया में 1999, और जो ओप्पो एनको W31 है अब दोस्तों उसकी प्राइस अमेजोन पे है 3799। यह वर्षों अगला अपडेट निकल के आता है लेनोवो की तरफ से। लेनोवो लीजियन गेमिंग फोन स्पॉट किया गया गीक बेंच विद 16GB रैम। या जो लेनोवो का लीजियन गेमिंग स्मार्टफोन है स्पॉट किया गया ऑन गीक बेंच विद 16GB रैम, और एक्सपेक्टेड कि इसमें को ड्यूअल स्पोर्ट कैमरास भी मिलेंगे, ड्यूअल रियर कैमरास मिलेंगे। सो दो कैमरास मिलेंगे और यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी मिलेगा। सो जब दोस्तों लेनोवो लीजियन इंडिया में शायद लॉन्च हो, पता है दोस्तों एग्जैक्ट लॉन्च इंडिया की नहीं, ग्लोबल में तो ये July 22 को लॉन्च होने वाला है, लेकिन दोस्तों जब ये इंडिया में लॉन्च होगा या फिर ग्लोबल लॉन्च होगा सो इसके ऊपर हमें फुल डिटेल्स एंड स्पेक्स का वीडियो जरूर करेंगे। यह बस अगला अपडेट मिल गया है बोट की तरफ से। बोट प्रो गेयर B20 स्मार्ट बैंड आज हो गया है लॉन्च इन इंडिया, और इसकी प्राइस, इसकी स्पेक्स सब कुछ यहाँ पर आ गई है। इसकी प्राइस है ₹17,99, और स्पेक्स की बात करें तो आज ही मैं आपको इसके फुल डिटेल्स एंड स्पेक्स जो कि बता देता हूँ। इसमें उसको आपको मिलता है एक 0.96 इंच का टच एनेबल्ड कलर डिस्प्ले, प्रो गेयर ऐप मिलता है यूजिंग Bluetooth 4.0, या Bluetooth 5 का सपोर्ट नहीं मिलता है, IP68 वाटर है, रेजिस्टेंट भी है, 90 mAh की बैटरी मिलती है, जो बोट ने क्लेम किया है कि 7 to 10 days के बीच में जाएगी, और आपको स्टैंड बाय टाइम मिलेगा 10 to 15 days। और इसमें दोस्तों आपको डायरेक्टली प्लग करना है पोर्ट में, या ये आपको प्लग इन चार्ज डिजाइन मिलता है, सो डायरेक्टली आपको प्लग करना है, और 1.5 आवर्स लगते हैं इसको फुल रिचार्ज होने में। और इसमें दोस्तों आपको 14 वर्कआउट मोड्स मिलते हैं ट्रैक करने के लिए, सो बहुत ही अच्छी बात है, 14 मोड मिलते हैं, जो मी बैंड 4 है या ऑनर बैंड 5 उसमें इतने नहीं मिलते, 9 या 6 है, इसमें 14 स्पोर्ट मोड मिलते हैं ट्रैक करने के लिए, और डेली स्टेप्स, कैलोरीज बर्न, स्लीप क्वालिटी ये सब तो ये ट्रैक कर ही रहता है स्मार्ट बैंड। हार्ट रेट सेंसर मिलता है, नोटिफिकेशन भी इसमें आपको मिलते हैं, और सारा सब कुछ मिलता है, कंट्रोल है, म्यूजिक, कैमरा, और बहुत भी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। प्राइस दोस्तों बहुत ही अच्छी, आइडल टाइम अलर्ट मिलता है, फाइंड माय फोन मिलता है, रिस्ट वेट जेस्चर मिलता है, और ब्रीदिंग फीचर भी मिलता है। सो इसके ऊपर दोस्तों एक डिटेल वीडियो हम नहीं करने वाले, क्योंकि आज ही आपको मैंने इसके फुल डिटेल्स एंड स्पेक जो कि बता दिए है। यह बस अगला अपडेट निकल के आता है ओप्पो की तरफ से। एंड्रॉइड 10 विद कलर असेंस स्टार्ट हो गया रोलिंग आउट ऑन ओप्पो R15। सो अगर आपके पास है ओप्पो R15 सो जाइए अपडेट कीजिए, आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा बेस्ड ऑन कलर OS 7।
अगला अपडेट निकल के आता है ऑनर की तरफ से, ऑनर 20 और ऑनर 20 प्रो को स्टार्ट हो गया रिसीविंग मैजिक यूआई 3.1 का अपडेट बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। सो अगर आपके पास है ऑनर 20 या फिर ऑनर 20 प्रो, सो जाइए अपडेट कीजिए दोस्तों, आपको मिलेगा मैजिक यूआई 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। यह वर्षों अगला अपडेट निकल के आता है असुस की तरफ से, असुस आरओजी फोन 3 पास हो गया थ्रू ताइवान एनसीसी सर्टिफिकेशन और विद इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ पास हुआ है और 512 GB ऑफ स्टोरेज। सो जब दोस्तों असुस आरओजी फोन 3 लॉन्च होगा, वैसे कंफर्म्ड है कि इसमें आपको 865 प्लस का प्रोसेसर मिलेगा और एज पर द टेना ये अराइव होगा विद 12 GB रैम ऑन एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छी बात है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। 6.59 इंच की फुल एचडी प्लस आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। अच्छी बात है दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हुआ, अच्छी बात है इन डिस्प्ले मिलता है। शायद इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिलेंगे, नहीं ट्रिपल नहीं, 4 कैमरास मिलेंगे, 64 MP का मेन होगा। और जब दोस्तों असुस आरओजी फोन 3 इंडिया में लॉन्च होगा, वैसे जल्दी लॉन्च होने वाला है, जुलाई 22 को असुस आरओजी फोन 3 लॉन्च होने वाला है, इसी सेम डे पर उसको ग्लोबली लेनोवो लीजियन स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है। सो जब दोस्तों आरओजी फोन 3 इंडिया में लॉन्च होगा, सो उसके ऊपर हम एक फुल डिटेल्स एंड स्पेक्स का वीडियो जरूर करेंगे। बात करें आज के लाइक टारगेट की, सो आज का लाइक टारगेट है 10 लाइक्स। दोस्तों प्लीज 10 लाइक्स कर दीजिएगा और आज का लाइक टारगेट भी फुल कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैंने आपको आज तक लाइक टारगेट का है, आप पूरा करे, सो आज भी जरूर से पूरा कर दीजिएगा और 10 लाइक्स कर दीजिएगा। ये बसों अगला अपडेट निकल के आते हैं रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 8 की प्राइस इंडिया हो गई फिर से इंक्रीज फॉर द फिफ्थ टाइम इन इंडिया दिस ईयर। यस, तो पांचवी बार रेडमी नोट 8 की प्राइस इंडिया हो गई है इंक्रीज इसी साल में। और अब दोस्तों इसकी प्राइस, वैसे जब लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस थी ₹10,000 जो बहुत ही एग्रेसिव थी बीच में दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो मॉडल है वो फिर से ₹500 से बढ़ गया, अब इसकी प्राइस ₹12,500 फॉर द 4 GB रैम एंड 64 GB वेरियंट, और इसका जो 6 GB रैम और 128 GB वेरियंट है उसके प्राइस ₹14,500। और अब दोस्तों फिर से इसकी रेडमी नोट 8 की इंडिया में बढ़ गई है प्राइस फॉर द फिफ्थ टाइम इन दिस ईयर, और अब ये इसकी प्राइस बढ़ गई है फ्रॉम ₹500। यह वर्षों अगला अपडेट निकल के आता है वीवो की तरफ से, वीवो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स नियो विल लॉन्च इंडिया अलॉन्ग साइड वीवो X50 सीरीज, या वीवो X50 सीरीज जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले, और उसके साथ दोस्तों वीवो की ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स TWS ईयरफोन्स नियो होने वाला है लॉन्च इन इंडिया अलॉन्ग साइड वीवो X50 सीरीज। चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज यहीं पे होती है खत्म, और आज की टेक न्यूज आपको कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना एंड फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ स्टे एट होम, घर पर रहिए सुरक्षित रहिए, एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।